इसी बीच सुकमा से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों का आतंक देखने को मिला है। नक्सलियों ने पूर्व नक्सली की हत्या कर दी। कुछ दिन पहले ही बार से मासा ने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। किस तरह मेरिया का मेंबर रह चुका है मासा। नक्सलियों ने धारदार हथियार से मासा को मौत के घाट उतार दिया है, जिसने कुछ दिन पहले ही सरेंडर किया था। नक्सलियों ने हत्या के बाद मौके पर पर्चा भी फेंका है। पीएलजीए ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे शहनवाज, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन कॉल पर। शहनवाज, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें जो आज बीते रात की बात है, जब नक्सलियों ने अपने ही नक्सली साथी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें जो जिस नक्सली को मारा गया है, जिसका नाम बारसे मासा बताया जा रहा है, वो पिछले एक हफ्ते से अपने गांव किश्ताराम क्षेत्र के सुन्नम पेंटा में आया हुआ था और वहां पे रह रहा था। इससे बता दें अप्रैल माह में ही बारसे मासा है, उसकी पत्नी जो है सुखी, उन्होंने सभी के साथ मिलकर, अपने पांच साथियों के साथ मिलकर जो है विशाखापट्टनम में जाके आत्मसमर्पण किया था। और जो मासा है ये एसीएम का मेंबर में रहकर काम कर चुका है और इसके ऊपर 4 लाख रुपए का इनाम भी था शासन की ओर से। लेकिन एक हफ्ता से अपने गांव में रह रहा था। बिल्कुल शहनवाज, ये भी बताइए, मतलब खबर है कि नक्सलियों ने उसकी हत्या कर उसके शव के पास पर्चे भी फेंके। उस पर्चे में क्या लिखा है, क्या चेतावनी दी है नक्सलियों ने, क्या नक्सलियों को सरेंडर नहीं करने की चेतावनी दी है, ऐसा कुछ लिखा है क्या पर्चे में? जी बिल्कुल, लगातार जिस हिसाब से लगातार कई मामलों में नक्सलियों ने हत्या के बाद हो या किसी घटना के बाद हो अपना प्रेस विज्ञप्ति डालते हैं, वैसे ही आज हत्या के बाद नक्सलियों ने पर्चा डाला और पर्चा डालकर उसमें लिखा है कि इस घटना को किश्ताराम एरिया कमेटी ने जिम्मेदारी में लिया है और बताया कि ये जो है प्रशासन की ओर से हम सभी नक्सली साथियों का दलाल बन गया था। इस तरह का जो शब्द है नक्सलियों ने यूज किया है और कई चीजें लिखकर वहां पर रखा। और बीते रात कल देर शाम की बात है जब घोर नक्सल प्रभावित है। अब सुरक्षा बलों को, जवानों को ये भी देखना होगा कि जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी थोड़ा सा अब गंभीरता से विचार करना होगा, अगर ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे तो। शहनवाज जी बिल्कुल, जिस हिसाब से नक्सली लगातार जो है पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा जो है अभियान चलाया तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन उन नक्सलियों को जिला मुख्यालय में और साथ ही उनके लिए पुनर्वास नीति द्वारा बनाए गए जगहों में रखा जा रहा है। लेकिन जो ये नक्सली है बारसे मासा, ये विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम है, वहां पे आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद वे खुद अपने गांव पहुंचकर पिछले एक हफ्ता से अपने गांव में रह रहा था और इसी दौरान जो है बीते रात को नक्सलियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया है। इससे सबसे पुलिस भाग है, पुलिस प्रशासन। ठीक है शहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज जुड़ने के लिए।